हेलो एवरीवन, दिस इज अमर छेत्री एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। सो ये वीडियो बना रहा मैं, एक छोटा सा अपडेट है। सेकंड लिस्ट जो सेकंड रैंक लिस्ट जो लेके जो रिलेटेड इंक्वायरीज था पब्लिका की, डेट कब रिलीज हो रहा है, ये उसी के बारे में अभी मेल में देख सकते हैं। आईएमई ने मेल किया कि जो डेट है वो है 26/7/2022, मतलब 2022 जुलाई 26 तारीख को जो है आपको सेकेंड लिस्ट प्रिपेयर होगी। और इस मेल में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो इसमें थर्ड लिस्ट के बारे में ही बताया गया है कि जनरली वो प्रिपेयर होती है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीट्स अवेलेबिलिटी। सीट्स अगर खाली है तो मिलेगी, प्रिपेयर होगी, सीट्स खाली नहीं है तो थर्ड लिस्ट प्रिपेयर नहीं होगी। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लेके कुछ बंदों का इंक्वायरी था कि क्या सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे आप लोग जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में आपको एज प्रूफ, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 के मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 12 के मार्कशीट। उसके बाद में आपको जो है, अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या आपको EWS के कोई कैटेगरी में आप है तो आप उसकी जो सर डिक्लेरेशन लिस्ट है, जो मतलब आपकी जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कीजिए। आपके रैंक लिस्ट, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स जो है, आपको सीट अलॉटमेंट जो लेटर्स है 25,000 प्रोग्राम फीस देने के बाद जो लेटर्स आप लोग डाउनलोड करो उसकी कॉपी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद में एनेक्सेस है, आप IIME कैंपस से मुझे मेल करके एनेक्सेस के बारे में पूछिए, क्योंकि इसके कुछ 4 या 5 एनेक्सेस है जो कि आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके साइन करके लेके जाना पड़ेगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 फोटो कॉपीज कर लीजिए, 2 कॉपी आपके फोटोज आपके साथ होना चाहिए। और अगर आपने NCC किया तो उसकी सर्टिफिकेट आपको रखिए, ये सारे का फोटो कॉपी 2-2 सेट कीजिए। और आपको DD बनाना पड़ेगा, सेमिस्टर वाइज फीस की DD होती है, कॉशन फीस की जो कॉशन डिपॉजिट मनी की जो है 20,000 की, उसकी अलग DD बनेगी, सेमिस्टर की DD अलग बनेगी। तो ये सारे DD जो आपको दोनों के अलग अलग बनेगी। तो ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और पासपोर्ट के बारे में मुझे एक मैसेज मिला कि सर IIME ने बताया कि बिना पासपोर्ट से जो है आपको एडमिशन नहीं है। तो प्रीवियस डे में तो पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं था, लास्ट ईयर से मैंडेटरी हो गया है। बट मुझे जितना तक पता है कि अगर आपके पास में एप्लीकेशन रिसिप्ट उसके है पासपोर्ट अप्लाइड के, तो कंसिडरेशन दिया जाता है। आप लोग IIME CT के कैंपस से कंसल्ट कीजिए कि सर आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, आपका जो इंक्वायरी है वो हो गया, अब जल्दी पासपोर्ट आएगा, तो लोग कंसिडरेशन देती है। पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नॉर्मली जो होती है सेशन स्टार्ट से 20 दिन के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है इंडोर्स के लिए अप्लाई होती है, तो इसके लिए वाइटल जो है पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो तब तक में शायद आप लोगों का पासपोर्ट मिल जाएगा, तो उसका आप लोग IIME से थोड़ा बात कीजिए। और लैटरल एंट्री के रिलैक्सेशन में आया, BTEC के जो कर रहे हैं उनको ये रिलैक्सेशन दिया गया कि उन लोग जो रैंक लिस्ट लेके अपना कोई भी कॉलेजेस एज पर देयर चॉइस प्राइवेट कॉलेजेस जो एफिलेटेड है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट ये रिलैक्सेशन जो है IIME कैंपसेस के लिए नहीं दिया गया है। IIME कैंपसेस के लिए उनका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो चलेगा, उसके द्वारा ही आपका एडमिशन होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को अपडेट करने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर धन्यवाद।